दोस्तों मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए और कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, यानी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट क्या हैं। तो आप जान लो कि जो कार्बोहाइड्रेट वो खाने होते हैं जो कि ग्लूकोज से बने होते हैं। हमारे तीन मेन खाने होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज से बने होते हैं, फैट जो कि वसा चर्बी होता है फैटी एसिड बनते हैं, प्रोटीन जो अमीनो एसिड बने होते हैं। नेचर ने बॉडी के लिए एनर्जी के मेन सोर्स बनाया फैट। हम इंसान लोग लाखों साल से धरती पर हैं, आज से करीब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। उससे पहले इंसान को खेती करना नहीं आता था। इंसान कहाँ रहता था पहले? जंगलों में, पेड़ के ऊपर, गुफा में। खेती करना नहीं आता था, हर जंगल रहते थे। तो इंसान क्या खाता था? तो फ्रूट जंगल में होंगे, पकौड़े सब जो भी। साल में 2 महीने मई जून और उधर दिसंबर मई, उस साल में 4 महीने फ्रूट। बाकी टाइम क्या खाता था? जंगल से शिकार करके जो सब। हाँ, बाकी टाइम खाता था वो मेनली शिकार करके। तो शिकार में क्या मिलता है? फैट एंड प्रोटीन प्लस पत्ते, कोई कंदमूल हो गया, कुछ मिल गया सबसे। उस समय इंसान को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लीवर, कैंसर ये सब नहीं होते थे। आदमी खूब खाता था और खूब चलता था। फिर आ गया, इंसान ने खेती करना शुरू किया। तो खेती में धान उगाया और छिलका उतार के खा लिया, उसे कोई प्रोसेसिंग नहीं थी। गेहूं उतारा उसे खा लिया, मोटा दर के खा लिया। उस टाइम आदमी खूब खाता था, खूब मेहनत करता था। फिर हम शहरों में आ गए हम लोग। अब क्या हुआ कि गेहूं को बना दिया मैदा, इतनी मोटी मशीन से इतना पतला पीसा कि सब मैदा बन गया। चावल को उन्होंने उठा के कर दिया, उन्होंने वाइट राइस कर दिया। उन्होंने मकई को बना दिया उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स बना दिया। उन्होंने गेहूं को बिस्किट बना दिया, उन्होंने गेहूं को ब्रेड बना दिया। उसमें मार चीनी, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव, फोमिंग एजेंट, सॉफ्टी एजेंट, टेस्टी डाल ऐसा बना दिया कि मरीज खाए फटा मजा आ गया। टेस्ट बढ़ा दिया और उसको फाइबर हटा दिया तो पेट भरता नहीं, से आदमी ज़्यादा खाता है। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट वो खा रहा। कार्बोहाइड्रेट कितना भी खा लोगे 3-4 घंटे तक पेट खाली हो जाएगा। प्रोटीन फैट खाओगे भारी होता है, डाइजेस्ट करना भारी होता है, आंतों की मूवमेंट स्लो करता है, देर से चलता है। तो जैसे जैसे मरीज कार्बोहाइड्रेट खाता रहा, उसका लीवर फैटी होता गया, सारा फैट लीवर अराउंड इकट्ठा होता गया, पैंक्रियाज फैटी होता गया, उसका इंसुलिन काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन बनना कम हो गया, उसका डायबिटीज होता गया। सेम कार्बोहाइड्रेट की वजह से ब्लड ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। सेम कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन लेवल बढ़ता है, IGF-1 बढ़ता है और मरीज को कैंसर हो जाता है। सेम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा खाने से ब्रेन के अंदर एमोलॉइड डिपॉजिट हो, उसको एल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाती है। नियम क्या है कि अगर आप आधा घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिन भर में केवल मिलेगा 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी 1 रोटी मिलेगा, और 1 घंटा एक्सरसाइज करता है वो दिन में 2 रोटी मिलेगा, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता है वो 3 रोटी मिलेगा, हर आधा घंटे पे 1 रोटी मिलेगा। तो आप तय करें कितना एक घंटे एक्सरसाइज करके कितना रोटी मिलेगा आपको। आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं मिनिमम? सर हफ्ते में 2-3 दिन करता हूं। तो आप बस हफ्ते में 2-3 कितने घंटे करते हैं? 1 घंटा जब करूँगा तो बस, तो आपको हफ्ते में 6 रोटी मिलेगा आपको। आप कितने 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में? आपको रोटी मिलेगा ही नहीं, समझे बात को।
जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका दो ही काम है, या तो इमीडिएट बॉडी एनर्जी बर्न कर दे, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और अब खा के हम बैठ गए तो एनर्जी कहाँ बर्न कर रहे, वो सारा कार्बोहाइड्रेट लीवर में जाके इकट्ठा होगा, और लीवर में 300 ग्राम तक इकट्ठा होने के ग्लूकोज इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन, बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज फैट इकट्ठा होता है, तो लीवर फैटी हो गया। तो लीवर फैट आया तो धीरे धीरे ग्लाइकोजन हट जाता है, फैटी रह जाता है। आप सबका लीवर फैटी है, अधिकांश हम लोग का थोड़ा थोड़ा वो होगा, अब लीवर फैट भरा पड़ा है। अब आपने एक रोटी खाया, एक रोटी में 18 ग्राम ग्लूकोज है, जहाँ ब्लड ग्लूकोज गया वो लीवर नॉक करे, लीवर को नॉक आ जाए, मुझे ले लो, लीवर तो भाई जगह ही नहीं यार, कहाँ ले लूँ, तो चला जाए कहीं मसल पर चला जाए, मसल बोलो मुझे मेरे फैट मेरे भरा पड़ा है, मुझे कहीं करना है, क्यों लूँ मैं भागे से, ब्लड घूमता रहता है। तो आज का इंसान कम कार्बोहाइड्रेट खाकर भी शुगर बढ़ रहा, और उस एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करने के लिए खूब सारी गोली खानी पड़ती है, इंसुलिन का पुश करने के लिए, मसल पुश करने के लिए। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बोले कि हमारे दादा परदादा तो खाते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। कि बाबू हमें याद है मेरे पिताजी डेली 7 घंटे घूमते थे, मेरे ससुर जब 80 साल के हैं, आज भी कम से 5 घंटे घूमते हैं 80 साल पर भी, रोटी खाते दो सुबह दो शाम दोपहर शाम दो दो छः रोटी खाते हैं, हम दिन में एक रोटी खाते बस, हम दिन में मुश्किल से 1.5 घंटे 1 घंटे टहलता हूँ मैं। तो क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप खूब खाओ, आप अगर आपको कोशिश करना है कि आप कार्बोहाइड्रेट पर डे मैक्सिमम 130 ग्राम खाना है। मैं पर डे 130 ग्राम खाता, कैसे खाता हूँ, मैं दिन में एक रोटी खाता हूँ या 25 ग्राम चावल खाता हूँ, उसमें 15 ग्राम कार्ब मिल गया मुझे, 1.5 लीटर दूध पीता हूँ, 100 ml 5 ग्राम कार्ब होता है तो कितना हो गया 75 ग्राम, यही मिले मुझे 7 ग्राम नहीं ज़्यादा हो गया, कम बोलते ज़्यादा हो गया 750 ml कितना हो गया 40 ग्राम, 15 हो गया। दो फल खाता हूँ, एक फल में करीब 150 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब होता है, ये सब 75 ग्राम कोटा मेरा पूरा हो गया। बाकी हर चीज़ सलाद थोड़ा, हर 100 ग्राम 1 ग्राम कार्ब होता है, आधा किलो शराब सलाद खाता हूँ मैं, इवन ड्राई फ्रूट थोड़ा कार्ब होता है, हर कार्ब होता है। तो 130 ग्राम कार्ब ज़्यादा नहीं खाना है, तो अगर 130 कार्ब मुझे करना मुझे, तो मैं 1.5 लीटर दूध पी लेता हूँ, एक रोटी खाता हूँ, दो फल खा लेता हूँ, दाल दाल भी खाता हूँ, बड़ा दाल कटोरी उसमें उसमें वहाँ भी मिल गया 30 ग्राम, तो मेरा कितना हो गया 35 हो गया हमारा दूध से, 30 ग्राम दाल से 65, 15 ग्राम रोटी से 80 हो गया, और दो फल तो 115 ग्राम, एक फल से 15 ग्राम 115 ग्राम, बाकी ऐरा गिरा सलाद से थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो 130 ग्राम। ये कोटा रखना आपको, अगर आप चाहते हो तीन रोटी खाना है तो आप अपना फिर दूध कम करना पड़ेगा, फल कम, एक फल खाओ आप तो एक रोटी ले लो, एक और थोड़ा दूध कम करो पावर एक और रोटी ले लो, तो आप तीन रोटी मिल गया आपको, और रोटी खाना तो एक्सरसाइज बढ़ाओ, और चाहते हो कि तुम रोटी दो सुबह तीन दोपहर तीन शाम खाएं तो 5-6 गोली खाओ, 5-6 गोली खाओ, टैबलेट खाओ 50 गोली उस ग्लूकोज यूज करने के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, आगे खूब सारे गोली खा रहे हैं, खूब सारा अनाज खा रहे हैं, रोटी चावल सब खा रहे, बाद में फिर बाद में लीवर इतना फैट भर जाता है, अब कितनी गोली दे दो, कहते मेरे पास जगह नहीं भैया मैं लूँगा नहीं, फिर इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन फोर्स करता है ग्लूकोज को लीवर जाने के लिए, और लीवर फैट हो जाता है, फिर ब्लड ट्राइसर बढ़ जाता है, एडल डाउन हो जाता है, फिर हार्ट की दवा खानी पड़ती है। क्यों खाना कार्बोहाइड्रेट यार, क्यों खाना है, पेट ही भरना ना भाई, हेल्दी फैट खाओ, 4 से 6 चम्मच डेली घी मक्खन खाओ, बादाम खुश पिस्ता काजू मूँगफली खाओ, इससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका घटेगा, हार्ट को बचाएगा, वेट भी घटेगा इससे। घी मक्खन खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाओ 4 से 6 चम्मच, सोयाबीन बढ़िया खाओ, अंडे 5-6 खाओ, 8 अंडे खाओ, 2-3 अंडे येलो भी खाते हो, मीट खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, हरी सब्जी सलाद खाओ, 100 ग्राम पनीर डेली खाओ, दूध पियो, बोला आधा पौ लीटर दूध पियो, आप समझे। अबे तो वहीं तो वहीं तो जाओ, तो पनीर तो रुक जाओ, आगे मत जाओ, पनीर तो रुक जाओ, आगे मत जाओ, पनीर पालक पनीर खाओ, क्या देखिए पानी पकड़ पानी पनीर पकौड़ा भी खाओ, समझो। कार्बोहाइड्रेट कम खाओ भाइयों, कम खाओ, पेट भरे तरीका सीखो,
इसे बोलते लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। दुनिया की सारी बीमारी जड़ ही कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सब ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कर रहे हैं आपके लीवर में, पेंक्रियाज में, हार्ट में, ब्रेन में। ग्लूकोज इज टॉक्सिक बॉडी। और खाने तरीका आपने सुना, बड़े लोग पता कितने रोटी खाते हैं, बड़े सुना क्या खाते हैं लोग, बड़े लोग जो हेल्दी, कोई अनाज कोई नहीं खाता भैया, खाते ही नहीं। पहली बात तो रोटी तो नहीं खाते वो, एटलीस्ट कह के थे हम। सुना आपने, सुना कि वो रोटी नहीं खाएंगे, जो इस तरह की आप जो डाइट बता रहे हैं वो डिफरेंट अपना वो चीज लेंगे। पता ही बात, पता है वो बात नहीं, डिटेल नहीं पता, बट ये कैसे पता चला आपको? जैसे अक्षय कुमार का आया कि उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, हाँ, कि आप खाते क्या, उसने बोले इतने टाइम से मैंने शुगर ली नहीं मैंने, हाँ, या कुछ इस तरह की चीजें दी, तो उससे मैंने लिंक करके। कोई भी बड़ा आदमी एक रोटी ज्यादा कोई नहीं खाता है। हम लोग डॉग मीटिंग जाते हैं ना, रोटी छूता भी नहीं कोई, सब क्या खाते, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, बटर चिकन, मटर पनीर, सलाद, हरी सब्जी, वेजिटेबल सूप, चिकन, फिश, मटन, हो गया। हमें डायबिटीज नहीं करना है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे कैंसर नहीं चाहिए, मुझे डिमेंशिया नहीं चाहिए। आपने मुझे नारियल का पुरा, हाँ, कोकोनट, कोकोनट खूब खाओ, हाँ, उसकी रोटी खाता हूँ, हाँ हाँ। तो आटा, तुम आटा कौन सा यूज करते हो? आपने जो बता दिया वही चलो। हाँ तो ठीक है, एक और तरीका है, आप ऐसा करते हो, आप आधा किलो आटा ले लो, आधा किलो उसको कोकोनट पीस के डाल दो, पिसा आता मार्केट में, आधा किलो बादाम डाल लो, तो इसमें तो सुनो तो इसमें आपकी तीन रोटी खा ली आपने, तो रियल में आपने एक ही रोटी खाई, उसकी तीन रोटी खा सकते हो। ओके, तो आपने एक ही रोटी खाई भाई, अभी तो आलमंड और कोकोनट खा लिया आपने, इसे बोलते कीटो आटा। बनाओ घर में, बनाओ, क्या दिक्कत है, उसकी तीन रोटी खाओ। ओके, तो आपने अपने चीट किया आपने आपको, आपने तीन रोटी, रियल तीन नहीं खाई, रियल तो एक ही रोटी खाई आपने, क्लियर है? ये प्रोसेस फूड जब छूना है, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे रस, कॉर्नफ्लेक, ओटमील, कभी कभी बॉडी मन करता है कभी कभी, या कार्बोहाइड्रेट खा के मज़ा तो बहुत आता है, अब बन खा लो लगता स्वर्ग यहीं पर है, स्वर्ग यहीं पर, बहुत टेस्ट होता भैया। तो हम कॉर्नफ्लेक्स दूध में डालते हैं या मूसली डाल देते हैं मिर्चे, कॉर्नफ्लेक्स बहुत टॉक्सिक होता है भैया। हाँ तो कॉर्नफ्लेक्स छोड़ दें, मूसली भी आती है जो मिक्स आता है। अब देख लो भाई पैकेट, देख लो, देखो प्रोसेस नहीं चेक कर लो, उसमें क्या उसमें एडिटिव है, केमिकल उतना डाला, चेक कर लेना, मुस्लिम में तो खाए नहीं हुए है, हाँ। ना और उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डाल रहा फिर खराब हो गया। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा जूस बहुत टॉक्सिक होता है। okay. उसके अंदर देखो एलोवेरा जूस 6 महीने कैसे रहेगा भैया, कुछ डालो, कुछ डाला होगा, समझ बात आगे क्लियर है? तो बेटे तुमने अपनी डाइट पर डाइट क्या लेते हो, डाइट पर जरा तुमने बोला इस, तो आपने बोला फ्रूट का, तो 150 ग्राम फ्रूट का फ्रूट खाओ, जैसे फल इसका फल नहीं खाओगे 150 ग्राम डेली, क्योंकि स्पेशली आपको डायबिटीज कंट्रोल है, इसका फ्रूट डेली खाओ, खाने की बहुत गंदी आदत हो गई है। तो एक सुबह शाम खा लो, एक टाइम ज़्यादा मत खाओ, एट वन टाइम 150 ग्राम ज़्यादा मत खाओ। मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं खाता, फल खाता हूं और नहीं भैया, नहीं सुनो यार, सुनो जी, देखो जो लोग हेल्दी लोग हैं वो अप टू 300 ग्राम 450 ग्राम खाते हैं, उनका लीवर फैटी नहीं है, पर आप डायबिटिक हो, आपका लीवर फैटी है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर है, डायबिटिक वाले कोशिश करें कि एक टाइम में 150 ग्राम ज़्यादा फ्रूट ना खाएं, क्योंकि फलों फ्रक्टोज होता है, उस सीधे लीवर में फैटी लीवर बनाता है, फ्रक्टोज लीवर में बॉडी और कोई बॉडी का और कोई अंग इसको यूज नहीं करता है, लीवर को कन्वर्ट करती है एज ए ट्राइग्लिसराइड में, फैट में, या थोड़ा एनर्जी यूज करती है, तो बेटर कि अवॉइड करो, नॉट मोर देन 1 फ्रूट एट टाइम।